पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान पर जानलेवा हमले को लेकर पाकिस्तान पीटीआई ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पीटीआई महासचिव असद उमर और मियां असलम इकबाल ने इमरान खान पर हुए हमले को कायरता बताते हुए देश के प्रमुख नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले इमरान खान ने उनकी ओर से हमें ये बयान जारी करने के लिए कहा। उनका मानना है कि तीन लोग हैं जिनकी ओर से ये किया गया था, जिसमें शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल शामिल हैं। वो शहबाज शरीफ है, वो राणा सनाउल्लाह है और वो मेजर जनरल फैसल है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिल रही है और वे उसी के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों को अपने पदों से हटाया जाए और अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन होंगे। इमरान खान ने ये पैगाम दिया है। असलम इकबाल ने कहा कि हम तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। गंभीर एहतजाज होगा और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे उन्हीं हालात के साथ जब तक इन तीन लोगों को नहीं हटाया जाता। इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इमरान खान पर गुरुवार को उस वक्त हमला हुआ था जब वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के वजीराबाद में आजादी मार्च के तहत रैली कर रहे थे। इस हमले में इमरान समेत कई नेता घायल हो गए, वहीं एक युवक की मौत हो गई। पैर में गोली लगने के बाद इमरान लाहौर के शौकत खानम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में है। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में इमरान समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक उनके दाएं पैर की हड्डी टूटी है। इधर पाकिस्तान के पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने इमरान खान पर विरोध मार्च के दौरान पंजाब प्रांत में उनके कंटेनर ट्रक पर हमले की निंदा की। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विरोध मार्च के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले से संबंधित घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, ये ऐसी चीज है जिस पर हम करीबी नजर रख रहे हैं और हम संबंधित घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में देखना होगा कि ये मामला कब तक शांत होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।